हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल काना मैथ कोचिंग। आज हम इस वीडियो में एक्सपेंडेड फॉर्म करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ की। क्लास फोर्थ के अकॉर्डिंग एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, राइट द फ्लोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट आपको 24,054 है, तो इसके एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करते हैं देखिए। तो फर्स्ट नंबर पे 2 दिया हुआ है, आप क्या राइट करेंगे, 2। पीछे कितनी डिजिट है, 4, तो 4 के आ जाएंगे 0, प्लस का साइन लगेगा। अब क्या दिया हुआ है, 4 का 4, पीछे डिजिट कितनी है, 3, तो 3 के आ जाएंगी 0। क्लियर है, 0 के एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं होगी। आगे 5 का 5, पीछे डिजिट 1 है, तो 1, 0, प्लस में 4 का 4, क्यों, क्योंकि 4 के आगे कोई डिजिट ही नहीं है, तो 0 नहीं आएगी। नेक्स्ट है 94,956, तो 9 का 9, पीछे कितनी डिजिट है, 4 0, प्लस में 4 का 4, पीछे डिजिट कितनी है, 3 0, प्लस में 9 का 9, पीछे डिजिट है 2, तो 2 0, प्लस में 5 का 5, पीछे डिजिट है 1, तो 1 0, प्लस में 6 का 6, पीछे डिजिट नहीं है, तो इसके पीछे कोई भी 0 नहीं आएगी। आगे 3,40,000, 3 पीछे डिजिट है हमारी 3 और 2 5, 5 डिजिट है, तो 5 के आ जाएंगी 0, प्लस में 4 का 4, पीछे डिजिट है 4, ये हमारी 0 भी इसमें काउंट होंगी, लेकिन 0 की एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं होती, इसलिए हम 0 की राइट नहीं करते। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद 0 की एक्सपेंडेड फॉर्म ही नहीं होती, आगे सारी 0 हैं तो कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अभी हमने किया जब हमको न्यूमरल दिया हुआ होता है एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है। अब हमारा क्वेश्चन है, एक्सपेंडेड फॉर्म दी होती है तब हम न्यूमरल कैसे राइट करेंगे। ठीक है, अब देखो, आपको पता है डिजिट हमेशा हम कहाँ से लिखते हैं, वंस प्लेस से लिखते हैं। ठीक है, और वंस प्लेस में 1 ही डिजिट होती है, तो वंस प्लेस में 1 डिजिट है, वंस प्लेस का आ गया 7। आगे टेंस प्लेस राइट करते हैं, टेंस प्लेस में हमेशा क्या होती हैं, वंस आ गया, टेंस प्लेस, टेंस प्लेस में 70 दिया हुआ है अब आपको। ठीक है, तो यहाँ 70 0 हटा देंगे और 7 का 7। आगे है 100 में हमेशा 3 0 होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 100 है ही नहीं, 100 में 3 प्ले, हमारे 100 में कितनी डिजिट होती हैं, 3, लेकिन यहाँ 3 डिजिट वाला कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स क्या आएगा, 0 आएगा। फिर आता है 1000 में हमेशा 4 डिजिट होती हैं, अब 4 डिजिट वाला है, 0 छोड़ दो, 7 का 7। फिर क्या आएगा, 1000 के बाद 10,000 में 5 डिजिट होती हैं, अब 5 डिजिट वाला तो हमारा क्या है, ये है, 5 डिजिट में 5 आ जाएगा, यहाँ 0 हम छोड़ देंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस प्लेस, ठीक है, पहले 1 डिजिट देख लो, 1 डिजिट वाला दिया हुआ है, 2 का 2, 2 डिजिट वाला कोई नहीं है, तो 0, 3 डिजिट वाला है, तो 9 का 9, 4 डिजिट वाला है, इसका भी 9 का 9, और फिर उसके बाद 5 डिजिट वाला है, 9 का 9। अगर यहाँ 4 डिजिट है, इसके बाद 5 डिजिट ना होती, सीधा 6 डिजिट दे दी जाती, तो 5 डिजिट में क्या आती, 0 आती। क्लियर है, अब देखो 1 डिजिट है ही नहीं, तो 0, 2 डिजिट वाला भी नहीं है, 0, 3 डिजिट वाला है, 4 का 4, 0 हट जाएंगी, फिर 4 डिजिट वाला भी नहीं है, तो उसकी भी 0। ठीक है, 5 डिजिट वाला है, उसकी 4 का 4, 0 हट जाएंगी। फिर आता है 6 डिजिट वाला, ये 6 डिजिट वाला है, तो 3 का 3। ठीक है, काउंट कर लेना डिजिट, अब 1 डिजिट का दिया हुआ है 7 का 7, 2 डिजिट वाला नहीं है, 0, 3 डिजिट वाला नहीं है, 0, 4 डिजिट वाला नहीं है, 0, 5 डिजिट वाला नहीं है, 0, और 1 डिजिट वाला का 7, 2 डिजिट की 0, क्योंकि 2 डिजिट का नहीं है, 3 डिजिट का नहीं है, 4 डिजिट का नहीं है, 5 डिजिट का नहीं है, इनकी क्या लगा दी, 0। अब 6 डिजिट वाला है ये, 3 5 6, ठीक है, तो 7 का 7, 0 हो जाएंगे। क्लियर है, ऐसे करना है आपको। आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करते हैं। अगर आपको न्यूमरल दिया है तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बनानी है, और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है और न्यूमरल कैसे बनाना है, तो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।